नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार आपके लिए बनाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल फरीदाबाद आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद शहर को कई बड़ी सौगात देकर जाएंगे, जिसे फरीदाबाद के लोगों में सीएम के दौरे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उनके शहर में आकर उन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। क्या कुछ ही बड़ी सौगातें हैं, रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से हरियाणा की कमान संभाली है, तब से लगातार हरियाणा के विकास में चार चांद लगे हुए हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा ने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि दूसरे राज्य भी काफी पीछे छूट चुके हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सूबे के मुखिया मनोहर लाल दिन रात हरियाणा राज्य के हित में काम करने के लिए लगे हुए हैं, जिस कारण हरियाणा देश के अग्रिम राज्यों में आज खड़ा हुआ है। समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर जिले में जाकर बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं, ताकि उस जिले की जनता को उन सौगातों और परियोजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद आ रहे हैं और फरीदाबाद को मुख्यमंत्री की तरफ से करोड़ों की सौगात दी जाएगी। रविवार को फरीदाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, फरीदाबाद को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। स्वच्छ पेयजल सप्लाई से जुड़ी 2 परियोजनाओं की देंगे सौगात। स्वच्छ पेयजल सप्लाई से जुड़ी 2 परियोजनाएं शहर के लोगों को समर्पित की जाएंगी। साथ ही जलघर से जुड़ी 2 परियोजनाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेक्टर 22 और सेक्टर 23 और इसके अलावा संजय कॉलोनी के जलघर का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अनखीर चौक से दिल्ली बॉर्डर तक स्पेशल नवीनीकरण के कार्य का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के फरीदाबाद कार्यक्रमों को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी दी। मैं सबसे पहले बल्लभगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आ रहे हैं और पानी का इनॉग्रेशन करने हैं, और बहुत लंबे समय से समस्या थी सेक्टर 22, 23, संजय कॉलोनी, चंडिया कॉलोनी, जनता कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी और सुभाष नगर, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। क्यों, नीचे का पानी तो खारी है, पानी तो सारा रैनीवेल से आता है, तो मुख्यमंत्री रैनीवेल का उद्घाटन करेंगे और वहाँ से क्या है कि लोगों को पानी का लाभ मिलेगा, जो 5-5, 6-6 दिन में पानी मिलता है और वहाँ के लोगों को पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बात करें कितने की लागत से काम हुआ है और क्या क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के रहने वाले। FMDA ने जो रैनीवेल 4 बनाए हैं, जो रैनीवेल की जो शुरुआत ददसियम की है, उन रैनीवेल की शुरुआत हुई और रैनीवेल ने पानी ने जो बूस्टिंग करके पानी बढ़ाया है बूस्टरों में, और 4 रैनीवेल की कोई 12 करोड़ का रैनीवेल है, बाकी उनका बड़े रैनीवेल है। और जो पानी की सप्लाई की कीमत नहीं होती, और लोगों को पानी मिलना, 4 जो बड़े रैनीवेल है उनकी पानी की सप्लाई लकड़पुर में और अपना बल्लभगढ़ जोन में 90%। वही सीएम के फरीदाबाद दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी फरीदाबाद के DC विक्रम यादव ने दी। और सीएम साहब फरीदाबाद में रविवार को आ रहे हैं, तो इसमें पहला एक कार्यक्रम है जिसमें 4 परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन सीएम साहब रखेंगे। दूसरा पाली गांव में एक प्रोग्राम है। कितना फायदा इन प्रोजेक्ट से पहुंचेगा, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास? तो इसमें 2 प्रोजेक्ट जल आपूर्ति के लिए हैं कि जैसे 22-23 सेक्टर में अगर देखा जाए, वहाँ पर 25 साल से जो प्रोजेक्ट आना था ये वाला, तो अब सीएम साहब उसका अनावरण कर रहे हैं। तो इसमें जो आसपास के लोग हैं उनको पानी की सहूलियत मिलेगी, और साथ ही दूसरा भी जो प्रोजेक्ट है जलापूर्ति के लिए टैंक बनाया जा रहा है, तो उसमें भी लोगों को, फरीदाबाद के लोगों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही एक रोड का उसका इनॉग्रेशन करेंगे सर, जो अंखिर चौक से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक जाएगी। दशहरा मैदान को लेकर भी, इसमें दशहरा मैदान को भी नवीनीकरण उसके लिए भी सीएम सर उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा भी सभी कार्यक्रम इसके अलावा सीएम सर का एक पाली गांव में एक प्रोग्राम है।
सीएम के जलघर की सौगात देने के बाद इन जलघरों से लाखों लोगों को पानी मिल पाएगा। दरअसल पानी की आपूर्ति का आधारभूत ढांचा नहीं होने की वजह से इन सेक्टर और कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन लोगों की परेशानी को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन लोगों के लिए जलघर की सौगात देने के बारे में विचार किया था, ताकि हरियाणा के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वहीं दूसरी ओर अनखीड़ चौक से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक सूरजकुंड रोड का नवीनीकरण किया जाएगा। हजारों लोग इस रास्ते से रोजाना गुजरते हैं, जिससे कि उनका सफर आसान हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र के साथ साथ देश प्रदेश के लोगों का एक साल का इंतजार खत्म हो गया। आज से अगले 18 दिनों तक धर्मनगरी गीतामयी नजर आएगी। 3 साल बाद भव्य इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आगाज हुआ है। देखिए आप, पूरी धर्मनगरी गीतामयी नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। कथावाचक मुरारी बापू की कथा के साथ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सरस और शिल्प मेले के उद्घाटन के साथ ही इस महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा मंच पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से अपने विचार रखे। इस अवसर पर एक संयोग ही है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव उसका भी शुभारंभ हो रहा है। अगर दोनों का विचार करते हैं तो एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जीवन का युग के मर्यादाओं के बारे में रामायण के माध्यम से हमको एक ज्ञान दिया, और वहीं प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से जीवन का सार, जीवन के आदर्श वो हमारे सामने रखे हैं। जीवन को किस प्रकार से जिया गया है, एक संयोग आज दोनों ही भव्य एक प्रकार से भगवत स्वरूप महापुरुषों की वाणी का शुभारंभ हो रहा है। 9 दिन तक श्री राम कथा जी की ये पूज्य स्वामी मुरारी बापू जी की ओर से हमको संदेश दिए जाएंगे, और मैं सोचता हूं कि जीवन में जरूर इसको जितनी मात्रा में उतार सके उतारना चाहिए। मैं तो जब भी इस प्रकार की कथा वचन ये सुनता हूं तो अपने कर्तव्य का भी ध्यान में आता है। आखिर हम राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग तो उन्हीं आदर्शों के माध्यम से, उन्हीं जो वैश्विक सिद्धांत है उनके माध्यम से समाज में क्या अच्छा काम कर सकते हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जब राज करने की बात आती तो कहा जाता था कि बढ़िया राज कौन सा, राम राज्य। राम राज्य बढ़िया राज्य, और उस राम राज्य की कल्पना अपने अपने ढंग से सब करते हैं कि राम राज्य क्या हो सकता है। इन कथाओं में, रामायण में बहुत सी कहानियां कथाएं हैं। मैं कोई अधिकारी तो नहीं हूं स्वामी मुरारी बापू जी के सामने किसी प्रकार की बात कहने का कि मैं प्रभु राम जी के बारे में कोई बात सुनाऊं, कथा सुनाऊं, लेकिन फिर भी चूंकि राम राज्य की बात आती है तो किस प्रकार की मर्यादाएं, किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के समय उन नीतियों के बारे में, क्योंकि रामचंद्र जी का अपना कोई ऐसा विषय नहीं था कि अपने लिए कुछ करते थे, नीतियों की मर्यादाएं रखते थे। एक बार एक कहानी हमने पढ़ी, उसके अंदर एक मूर्धन्य एक सज्जन, बहुत साधन संपन्न जिसको सेठ कहते हैं, वो सेठ जी का एक अच्छा स्वभाव था कि प्रभु रामचंद्र जी के भजन कीर्तन करने के बाद वो जो भी लोग आते थे, खास करके जो महागरीब होते थे जिनको आवश्यकता होती थी, उनको बाद में लंगर भोजन सब कराते थे, भरपूर पेट भर भोजन कराते थे। एक दिन सुबह सुबह अभी वो तैयार भी नहीं हुए थे, गुरु राम जी का कीर्तन भजन अभी करना शेष था, लेकिन एक व्यक्ति पतला दुबला आके उसने प्रार्थना की कि
मैं भूख लगी है मुझे और मुझे अन्न चाहिए भोजन चाहिए। तो कहते हैं सेठ ने कहा कि अभी तो प्रभु राम जी का भजन कीर्तन करूंगा उसके बाद भोजन वितरण होगा तब आप भोजन करना। उनका नहीं मैंने तो मुझे भूख बहुत लगी है और भूख इतनी लगी है कि अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन इधर सेठ जी कहें कि नहीं नहीं मेरा भी यह संकल्प है कि आप जब तक राम कीर्तन नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं मिलता, आप थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए मेरे साथ बैठ के। उनका नहीं मैं तो नहीं कर सकता। उनका अच्छा ठीक है कीर्तन नहीं कर सकते तो ऐसा दो बार प्रभु रामचंद्र जी का नाम ही अपने जीभा पर ले आइए, राम 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 दो बार कह दीजिए। तो वो कहता देखो मुझे अपने पेट की भूख ये सता रही है और मैं किसी में विश्वास नहीं करता कि किसी के नाम लेने से मुझे भोजन मिलेगा, आपने मुझे भोजन कराना तो कराइए नहीं तो मैं चलता। सेठ ने कहा कभी नहीं, एक बार कम से कम कह दो राम और मैं भोजन कराता। उनका नहीं मेरा विश्वास ही नहीं है राम में, मैं तो बिना भोजन चला जाऊ। और इस जिद में सेठ जी को गुस्सा भी आया, भोजन नहीं करा व्यक्ति चला गया। और जब व्यक्ति चला गया तो उस कहानी में है कि रात को उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई अगले दिन जब उसको पता लगा मन में विचार तो आते रहे कि ये शायद ठीक नहीं हुआ, लेकिन हो गया जब हो गया। फिर रात को सेठ जी सोए हैं तो प्रभु राम उनके सपने में आते हैं और सपने में आते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी सेठ को कहते हैं कि देखो तुमने एक बहुत पाप किया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं कराया। उनका पाप कैसे क्या माने, मेरा तो एक अडिग निश्चय है कि जब तक राम कीर्तन ना हो तब तक मैं भोजन किसी को कराता नहीं हूं। और मैंने उसको कहा एक बार राम बोल तो वो एक बार भी नहीं बोला करने का, मेरा तो विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए पाप तो उसने किया है, पाप मैंने थोड़ी किया है। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं अच्छा बताओ उसकी आयु कितनी रही होगी। बोले लगभग 40 साल। कह लगे कि देखो 40 साल से मैं उसको भोजन करा रहा हूं, मुझे पता है वो मेरे नाम में विश्वास नहीं करता, उसको 40 साल से भोजन करा रहा हूं, आपने एक समय भी नहीं कराया, आपने एक समय नहीं कराया, ये आपकी भूल है। मेरा कोई नाम लेता है तब उसको भोजन कराना, नहीं तो नहीं कराना है, ये नीति नहीं है। नीति है कि भूखे को भोजन कराओ। तो मैं तब सोचता हूं इसमें से हमको क्या करना है। तब ध्यान में आता है कि हम राजनीतिक लोग हैं, बहुत बार राजनीति करते हुए सोचते हैं कि ये आदमी हमारा है ये हमारा नहीं है, तो क्या इसी सोच के बात करके शासन करेंगे, इसमें से बदलेंगे। पहले दिन से जिस दिन से सत्ता संभाली हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, हमें कोई वोट देता का नहीं देता है, जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना ये हमारा धर्म है। समय पर प्रवचन हो लेकिन समाज की समस्याओं को जरूर विचार करके और आह्वान करना चाहिए कि समाज की समस्याओं को दूर कैसे करें। आजकल इस हरियाणा के इसी क्षेत्र के एक समस्या जब ध्यान में आती है, हमारा युवा नशे की ओर बढ़ने लग गया है। और जब नशे की ओर बढ़ रहा है ये पंजाब का पूरा क्षेत्र, हरियाणा का भी पंजाब से साथ लगता क्षेत्र और भी देश के कई प्रदेश हैं जहां दिशा भ्रमित हो गया है युवा, तो चाहे हमारे परिवार है चाहे हमारा समाज है, सबका एक दबाव ऐसे बनना चाहिए कि सामाजिक बुराइयां समाप्त हो। दंड तो सरकार दे सकती है, शासन दे सकता है, दंड देने से समस्याओं का भला होने वाला नहीं है। आखिर तो प्रेरणा देनी पड़ेगी, सामाजिक दबाव बनाना पड़ेगा, समाज की दिशा ठीक हो। इस प्रकार से यदि हम सब लोग संकल्प करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते, संतों महात्माओं के दिखाए हुए रास्ते चले। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मंच से इस महोत्सव को लेकर अपने विचार साझा किए। धर्म, आध्यात्मिक, संस्कृति और युद्ध की धरती से मानवता का संदेश देने वाली यह धरती कुरुक्षेत्र पर आज परम पूज्य बापू मुरारी बापू जी के और सभी संतों के सानिध्य में आज इस धरती से भगवान राम के जीवन पर
राम कथा और भगवत कथा का संदेश हमें मुरारी बापू के अमृत वाणी से मिलेगा। एक ऐसा संयोग जहां परम पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया और इस धरती से आज वह निष्काम कर्म योग का संदेश भी देंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश पूरी दुनिया में शांति का ले संदेश जाएगा। मैं परम पूज्य बाबूजी के चरणों में सशर नमन करता हूँ कि मुझे बार बार जब भी मैं मौका मिलता है मैं बापू के चरणों में और उनके मुख से अमृतवाणी सुनने का मुझे सौभाग्य मिलता है। और हमारे गीता मनीषी जिन्होंने इस गीता ज्ञान को, गीता के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उनका सहयोग किया, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि 9 दिन तक बापू की ये कथा हमारे नौजवानों को, हमारे देश के हर व्यक्ति को आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की ओर ले जाकर मानवता का संदेश देने का काम करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरस मेले और ब्रह्म सरोवर पर बने मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में और गीता का संदेश, एक जीवन का सार और उस समय संदेश दिया था, बहुत उपयोगी था और न केवल उस समय के लिए उपयोगी था, वो आज के लिए भी उतना ही उपयोगी है। न केवल उस समय जो कुरुक्षेत्र रहा होगा उस समय कुरुक्षेत्र उपयोगी था, वो आज के कुरुक्षेत्र, आज के हरियाणा, आज के अपने देश और आज की दुनिया सबके लिए वो वैसा ही उपयोगी है। एक वैश्विक सार जिसको कहना चाहिए, वैश्विक सिद्धांत जिसको कहना चाहिए, ऐसा ये एक कार्यक्रम था। वर्षों तक अपने समाज ने उस विषय को याद रखा है और आगे बढ़ाते रहे हैं। हमारा सौभाग्य है ये कि हरियाणा की भूमि पर, हरियाणा सरकार में आने के बाद हमने जो एक उत्सव गीता जयंती का उत्सव होता था उसको धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के तौर पर ये किया जाने लगा है। न केवल यह क्षेत्र में होता बल्कि विदेशों में भी होने लगा है, आगे आगे और इसका विस्तार होगा। आज इस वर्ष का गीता जयंती का जो कार्यक्रम है विधिवत उसका शुभारंभ हुआ है, ये जो सरस मेला है इस सरस मेले के उद्घाटन के अवसर पर। इस मेले में जो अपने देश के विभिन्न प्रांतों के कलाकार, कारीगर और ऐसे जो अपने सामान को बना करके लाते हैं और लोगों की रुचि के हिसाब से हर वर्ष उसमें जो परिवर्तन करना होता है वो भी करते हैं, आज की आवश्यकता के हिसाब से या अपनी दुकानें लगाते हैं। जो अभ्यागत, जो यहाँ आने वाले आगंतुक हैं, लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। मुझे ध्यान है कि एक वर्ष में तो 25 लाख से ऊपर यहाँ का जो नागरिकों का जो फुटफॉल है इससे ज्यादा हुआ है। अब धीरे धीरे कोविड के बाद फिर से इस कार्यक्रम में रौनक आ रही है। बीच में 2 वर्ष कोविड के कारण से कार्यक्रम बहुत स्थिर हो गया, स्थिर पड़ गया था, लेकिन अब उसमें आगे बढ़ोतरी हो रही है। आज का जो ये सरस मेला का कार्यक्रम शुरू हुआ है, मुझे बताया गया कि इसकी शुरुआत इतने सुंदर तरीके से और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ जो आज हुई है ऐसे पहले कभी नहीं हुई। कितनी दुकानें हैं कुल? 600 के लगभग यहाँ दुकानें हैं। इस बात तो हमने एक और बात कही है, कुछ स्टॉल्स, कुछ दुकानें ऐसे हैंडीक्राफ्ट की चीजें, ऐसी हमारी कृतियां जो हरियाणा में बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं और उनको विदेशी लोग पसंद करते हैं, तो विदेशों के भी लोग यहाँ आते हैं। लगभग 25 देशों के लोग ऐसा अनुमान है कि यहाँ आएंगे थोड़ी बड़ी मात्रा में।
लेकिन उनके लिए अलग कुछ स्टॉल बनाया जाए ताकि यहाँ की कृति को अपने साथ ले जाए और आवश्यकता पड़ने पर बाद में उन्हीं कृतियों को उनकी डिमांड के हिसाब से उन देशों में भी हम स्टॉल लगा करके दे सकते हैं। लोगों का रोजगार बढ़ेगा, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसका भी दूर दराज का विस्तार होगा। वैसे सर्स में लेके उद्घाटन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का शुभारंभ और 4 दिसंबर तक, बल्कि सर्स मेला तो 6 दिसंबर तक चलेगा, 4 दिसंबर 29 से 4 दिसंबर विधिवत जो मुख्य कार्यक्रम है गीता जयंती क्यों होंगे, सर्स मेला 6 दिसंबर तक चलेगा। तो इस 17 दिन के कार्यकाल के इस मेले का उद्घाटन हुआ, इस समय में सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यात्री जो इस मेले में आना चाहते हैं उनके लिए 50% किराए के ऊपर, इससे पहले सिर्फ 5 जिले थे, इस बार 5 जिले और बढ़ाए हैं और जैसे जैसे उधर से उसकी उपयोगिता लगेगी आगे अगले वर्षों में आवश्यकता हुई तो और भी ज्यादा है। धार्मिक स्थान पर मंदिर पर जो ऐसे धर्मशालाएं हैं उनमें गीता जयंती के अवसर पर अपने अपने ढंग से कोई ना कोई रौनक वो करते रहे हैं। इस बार थोड़ा सा उनको बातचीत होने के बाद मेरी एक मीटिंग पहले हो चुकी है, एक मीटिंग फिर 23 तारीख को है और हमने भी उनको कहा, उनकी इच्छा है कि एक अच्छा भविष्य रूप यहाँ निकलना चाहिए ताकि जो फुटफॉल यहाँ आता है गीता जयंती के नाम पर, क्योंकि ये ओवरनाइट एकदम नहीं होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में ऐसे सब लोगों ने भी अपने अपने यहाँ सजावट करनी है, कोई प्रदर्शनियां लगानी है, कोई प्रवचन करना है, कोई कथा करनी है, या अलग अलग दिन पर उन्होंने अपनी आरती का भी दिन अपना तय किया है कि एक दिन कोई एक संस्था अगले दूसरी संस्था से 15 दिन तक अलग अलग संस्थाएं आरती को करवाएंगी। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा संस्थाओं का उतना लोगों को भी आनंद आएगा और हमने तो ये भी कहा है कि इन सब प्रमुख स्थानों पर कोई एक रूट बना दे ताकि उस रूट पर पैदल चलने वाले पैदल चले, वाहन चलाने वाले छोटे रिक्शा है, स्कूटर है, ऑटो है, या कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो बाद में बस की व्यवस्था भी सोच सकते हैं। लोगों की आवश्यकता के हिसाब से रूट बने ताकि हम कुंभ के मेले देखते हैं तो कुंभ के मेले जैसे व्यवस्थाएं धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे हैं ऐसे ही इस मेले की व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही है और इसमें सहज तरीके से जो आगे बढ़ जाएगी लोगों को उसका एक लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। धर्मनगरी में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश पूरे विश्व में गुंजायमान हो इसी मकसद से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। यह महोत्सव 6 दिसंबर तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार कोरोना महामारी के 2 साल बाद पूरे रंग में होगा जिसमें लाखों लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। इसके मुख्य कार्यक्रम 29 नवम्बर से 4 दिसंबर तक चलेंगे। समय बीतता गया और हर युग हर समय में सोमनाथ की यात्रा भी निरंतर चलती रही। नदी के किनारे जरा नाम के पारधी ने श्री कृष्ण को बाण मारा और यहीं पर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, पर वो तो श्री कृष्ण की बस लीला थी। कृष्ण तो स्वयं मृत्युंजय हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। उनके जीवन का संदेश भी तो यही है, आत्मा अजय है, अमर है, वो कभी नहीं मरती। राधा के प्रेम में समर्पित हो जाने वाले, सुदर्शन चक्र उठाने वाले और कुरुक्षेत्र में गीता का प्रबोधन करने वाले सत्य प्रेम भक्ति और शक्ति के पुजारी श्री कृष्ण महाभारत युग
ईसा पूर्व 3102 में चैत्री शुक्ल प्रतिपदा की दोपहर 2:27 में इसी जगह अपने मानव शरीर को छोड़कर चले गए। हरि और हर के मिलन की ये एक अद्भुत कहानी है। Hey there. Subscribe to my channel. युग बीतते गए and also press this bell icon. चीजें बनती और बिगड़ती गई। चलिए हरियाणा डायरी के हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।